विशाल पांडे को थप्पड़ मारने की वजह से अरमान मलिक पर होगा पुलिस केस। जी हां दोस्तों, फिलहाल पब्लिक का कुछ यही कहना है अरमान मलिक को लेकर, जब से उन्होंने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा है। आपको बता दूं दोस्तों कि विशाल पांडे ने अरमान मलिक की वाइफ कृतिका को लेकर कुछ स्टेटमेंट दे दिया था। उन्होंने कहा था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, और ये चीज जब अरमान मलिक को पता चली तो अरमान मलिक ने विशाल पांडे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और उनके बीच बहुत ही खतरनाक वाली फाइट भी हुई। और थप्पड़ मारने के बावजूद भी, फिजिकल होने के बावजूद भी, अभी भी अरमान मलिक बिग बॉस के घर के अंदर है, जो कि बिग बॉस के नियम के बिल्कुल ही खिलाफ है। और यहाँ पर अरमान मलिक को क्रिमिनल बोला जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से मारपीट आप नहीं कर सकते हो एक नेशनल टेलीविजन पर। और पब्लिक का कहना है इस बेवकूफ अरमान मलिक को जल्द से जल्द बिग बॉस से निकालो। तो यहाँ पर पब्लिक के क्या रिएक्शन आ रहे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक ने लिखा बाहर निकालो बेवकूफ को, वहीं एक ने विशाल पांडे के लिए अपनी सिंपैथी दिखाई और लिखा यार बुरा लग रहा है। वहीं एक बंदी का कहना है कि फाइनली कटारिया ने अपना काला रंग दिखा दिया। जब अरमान ने कटारिया से पूछा उस दिन के बारे में जब विशाल पांडे ने भाभी पर कमेंट किया था, तो कटारिया ने वो चीज बता दी जो कि दोस्त होने के नाते उसे नहीं बताना चाहिए था, और इसलिए कटारिया को भी यहाँ पर हेट मिल रहा, क्योंकि दोस्त के नाम पे धोखेबाज निकला कटारिया। अब अरमान मलिक घर से बेघर होगा कि नहीं, इस चीज पर एक बंदे ने लिखा होना होता तो हो गया होता घर से बाहर, क्योंकि ये दो एपिसोड्स के बीच की बात है, यानी कि इनका कहना है कि अब अरमान मलिक घर से बेघर नहीं होंगे। एक बंदे ने लिखा ब्रो थॉट दिस इज टिकटॉक, यानी कि एक टिकटॉक वीडियो की तरफ बचकाना हरकत कर दिया और थप्पड़ मार दिया। एक ने लिखा विशाल को सिंपैथी मिलेगा इस चीज के बाद। वही एक बंदे ने काफी अच्छी बात कही, उन्होंने लिखा अरमान कैन मैरी हर वाइफ्स बेस्ट फ्रेंड इन 6 डेज एंड विशाल पांडे कैन नॉट लाइक समवन, डिड नॉट कृतिका डिड द सेम थिंग, इट्स ओके इफ यू डोंट क्रॉस एनी लाइन, ह्यूमंस कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस बट यू कैन कंट्रोल योर एक्शंस। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि अरमान मलिक अपने वाइफ के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर सकता है, सिर्फ 6 दिन के अंदर उनसे चक्कर चला के उससे शादी भी कर सकता है, तो विशाल पांडे बस किसी के बारे में थोड़ा सा थॉट नहीं रख सकता, इमोशंस नहीं रख सकता। वही प्राची ने लिखा दिस इज रॉन्ग, विशाल ने कुछ गलत नहीं बोला है। फिलहाल आप क्या सोचते हो दोस्तों अरमान मलिक को लेकर, क्या उन्हें घर से बेघर कर दिया जाना चाहिए और उनके ऊपर एक पुलिस केस किया जाना चाहिए, या फिर ये एक छोटा मुद्दा है और इसे इग्नोर कर देना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए खबरी मैन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।